हेलो स्टूडेंट्स परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है देयर आर टेन पॉइंट्स इन ए प्लेन नो थ्री ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्टिंग फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑपटेड फ्रॉम द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इज फोर्टी थर्टी नाइन सेवेंटी फोर एंड ट्वेंटी क्वेश्चन का मतलब क्या ये हमारे पास एक प्लेन है ये कॉपी हमारे पास एक प्लेन है इसमें टेन पॉइंट्स आपको दे रखे हैं टेन डॉट्स बोल सकते हो आप ये मैंने यहाँ बना रखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन अब इसमें कहा है आपसे कि आपको ये बताना है कि इन पॉइंट्स को लेकर आप कितनी स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो ठीक है तो लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको दे रखी हैं वो कंडीशंस क्या दे रखी हैं समझाने के लिए मैंने डायग्राम को वैसे बनाया इस है इसमें क्या है नो थ्री ऑफ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन मतलब इस प्लेन में जो तीन डॉट्स हैं कोई भी जो तीन डॉट्स हैं उन तीन डॉट्स को जोड़कर कोई स्ट्रेट लाइंस आपकी नहीं बन सकती जैसे ये हमारे पास ये तीन डॉट्स हैं इनको लेकर आप कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हाँ इन दोनों को लेकर बना सकते हो या इन दोनों को लेकर या इन दोनों को लेकर तीनों को लेकर स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो एक्सेप्टिंग फोर पॉइंट्स लेकिन ये एक्सेप्शन दे रखा है फोर पॉइंट्स के लिए ये रहे वो फोर पॉइंट्स बस यही फोर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं इन फोर पॉइंट्स को छोड़कर कोई भी तीन पॉइंट्स ऐसे नहीं हैं जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हो मतलब कोलिनियर सिर्फ यही फोर पॉइंट्स यहां पर कोलिनियर हैं। इन फोर पॉइंट्स को छोड़कर कोई भी कोलिनियर नहीं है तो बताओ अगर इन डॉट्स को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो हमारे पास कितनी स्ट्रेट लाइंस बनकर आएंगी इस क्वेश्चन में यह आपसे फाइंड करने के लिए कहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करें एक बेसिक नॉलेज आपको पहले से पता होना चाहिए वो है एन सी आर जो होता है आपके पास एन फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन सी का मतलब यहाँ होता है कॉम्बिनेशन जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इसका मतलब हमें सेलेक्ट करना है चीज और जब हम परम्यूटेशन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें अरेंज करना है तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम उसका मतलब हमें सेलेक्ट करना है जब हम परमोटेशन की बात करनी है तो उसका मतलब हमें अरेंज अरेंजमेंट पर ध्यान देना है अब यहाँ पर बेसिक सी बात है कि हमें यहाँ सेलेक्ट करना है क्यों सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन जो है वह कम से कम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई जा सकती है अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों को लेके बनानी है तो स्केल लूंगा और सीधे बना दूंगा तो इसका मतलब है ये दस पॉइंट्स हैं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन दस पॉइंट्स को लेकर कोई भी दो पॉइंट को लेकर आप कितनी स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो तो हम कहेंगे टेन टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं टेन और एट ए टाइम अगर मैं सिर्फ दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करूं तो इतनी स्ट्रेट लाइंस आपके पास बनेंगी ठीक है रैंडमली हमारे पास टेन पॉइंट्स दे रखे हैं आप दो पॉइंट्स कोई भी सेलेक्ट करो तो टेन सी टू आपको क्या बताता है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स एट अ टाइम चूजन फ्रॉम द टेन पॉइंट्स अवेलेबल ऑन द प्लेन तो इसको सॉल्व करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से तो ये होगा टेन फैक्टोरियल ओवर एट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं कि टेन और नाइन हमने बाहर निकाला और एट फैक्टोरियल इट इज रखा क्योंकि नीचे भी एट फैक्टोरियल है और टू फैक्टोरियल का मतलब टू होता है ये कैंसिल हो गया यहां पर तो ये नाइन्टी ओवर टू हो गया 90 को टू से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया फोर्टी फाइव मतलब टेन सी टू का आंसर फोर्टी फाइव आ गया मतलब फोर्टी फाइव आप ड्रॉ कर सकते हो इन टेन पॉइंट्स में से एट ए टाइम आप किसी भी दो पॉइंट को सेलेक्ट करके पर यहां पर एक चीज आपने जरूर ध्यान देनी है कि हमारे पास ये जो आपको चार पॉइंट्स दिख रहे हैं इन चार पॉइंट्स को लेकर जब भी आप स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करोगे वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी मतलब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को लेकर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो वो ये बनेगी इन दोनों को लेकर बनाता हूँ तो वो ये बनेगी इन दोनों को लेकर बनाता हूँ तो ये बनेगी इन दोनों को लेकर बनाता हूं तो ये बनेगी तो, तो, तो इस तरीके से इन चारों पॉइंट्स में से किसी भी दो पॉइंट्स को एट ए टाइम लेने पर आपको जो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो सारी की सारी लाइन इसी को ओवरलैप करेगी तो आइए बच्चों पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इन चार पॉइंट्स को लेकर आपके पास कितनी स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो ये ध्यान दें कि यहाँ पर पॉइंट्स आपके पास है चार और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितनों को सिलेक्ट करना है दो तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा फोर फैक्टोरियल ओवर नीचे हो जाएगा फोर माइनस फैक्टोरियल मतलब टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई मतलब टू फैक्टोरियल ये मैंने फॉर्मूला यहाँ दे रखा है आप इसी का इस्तेमाल करेंगे फैक्टोरियल को हम और फोर थ्री कितना हो गया ट्वेल्व इसको टू से डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपके पास सिक्स ठीक है बच्चों ये हमारे पास सिक्स आ गया इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से समझें आप इसका मतलब क्या है पहली चीज जो हमने टेन सी टू मैंने लिख के देखी ये जो फोर्टी फाइव आए थे इस फोर्टी फाइव का मतलब क्या था इस फोर्टी फाइव का मतलब था जो अभी भूल जाओ कि यहाँ पर कोलिनियर है चारों भूल जाओ. आप इतना याद रखो ये फोर्टी फाइव क्या है कि ये जो दसों के दस पॉइंट हैं किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने के पास आपके पास जितनी भी स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं वो सारी के सारी फोर्टी फाइव आ गई इन फोर्टी फाइव स्ट्रेट लाइन में से सिक्स स्ट्रेट लाइंस ऐसी हैं जो इन चार पॉइंट्स को लेकर बनी हैं और वो ही एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो जब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी तो इन दोनों को अलग अलग लाइन थोड़ी ना पड़ेंगे हम हम एक ही लाइन तो पढ़ेंगे तो इसका मतलब है क्योंकि जो छह स्ट्रेट लाइंस आपके पास बन रही हैं छ के छ एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो वो हुई तो एक ही लाइन ना तो आप टोटल में से इनको माइनस कर दें यहां छ जो है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है हुई तो ये एक ही तो छ को हमने माइनस कर दिया जैसे ही मैंने टोटल में से सिक्स माइनस कर दिया इसका मतलब है इन चारों पॉइंट्स के कारण से जो स्ट्रेट लाइंस बन रही थी वो सारी के सारी स्ट्रेट लाइंस आपकी अब खत्म हो चुकी है हो गया तो हमारे पास आंसर कितना आया थर्टी नाइन तो क्या हमारा आंसर थर्टी नाइन है नहीं अभी आंसर हमारा आया नहीं है अब ये देखो जैसे ही मैंने फोर्टी फाइव में से सिक्स माइनस कर दिया तो इसका मतलब है इन चारों पॉइंट्स को आपस में लेकर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कितनी होगी एक वो भी इसी के अंदर आई और वो भी माइनस हो गई तो इसका मतलब ये है कि थर्टी नाइन प्लस वन आपको करना पड़ेगा और ये आपके पास फोर्टी आएगा फॉर्ट इज योर आंसर ये पता चल गया होगा आपको कि वन क्यों ऐड किया सिक्स क्यों माइनस किया ठीक है अगर नहीं पता चला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें थैंक यू सो मच